मोटिवेशन के लिए तुम्हारे सामने एनडीए स्पेशल ट्रेन खड़ी है और खड़गवासला की बिल्डिंग सामने है, बस उसको सोच के अपना जाओ और पेपर को उड़ा के आओ, और हार उसी की होगी जो घबराएगा। अब तुम्हें घबराना है या स्पेशल ट्रेन में बैठना है, ये तुम्हारा काम है, ठीक है। हम जैसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मेहनत की, नहीं पहुंच पाए, गम नहीं है आज भी, क्योंकि मेहनत बहुत की, ठीक है। अनपढ़ लोग हमेशा ब्लेम करेंगे तुम पे, ना पढ़ने वाले लोग, ना स्ट्रगल करने वाले लोग हमेशा तुम पे ब्लेम करेंगे, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम पे भी हजारों लोग ऐसे ही कमेंट करते हैं, यूट्यूब पे आप देखते ही हो, ब्लेम गेम चलते रहते हैं, लोग खूब गालियां देते हैं, ठीक है। लेकिन समझ जाओ, जो किसी को गालियां दे रहा है ना, जो किसी के बारे में गलत बोल रहा है ना, उसने लाइफ में स्ट्रगल नहीं की है। नॉलेज किताबी आई होगी शायद उसको, लेकिन इंसान यहां से अच्छा नहीं होगा, यहां से अच्छा नहीं होगा। जो दिल के सच्चे लोग होते हैं ना, जिन्होंने वास्तव में हार्डवर्क किया है अपनी लाइफ में, किसी को ब्लेम नहीं करते, वो किसी को गालियां नहीं देते हैं। तो आपको ब्लेम गेम करने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन उनकी परवाह मत करना, क्योंकि कद्र उन लोगों की करो जो वास्तव में ज्ञान रखते हैं, जो दूसरों का सम्मान रखते हैं। जिस पे ज्ञान है उसी पे सम्मान। बस मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, क्योंकि इससे डरने की घबराने की जरूरत नहीं है कि हाय मेरा पेपर नहीं निकला तो वो मुझे क्या बोलेगा, वो मेरा पड़ोसी मुझे क्या कहेगा। उस पड़ोसी की कद्र करना छोड़ दो, हम लोग नहीं करते। टीचर्स आपस में देखते हो कई बार दूसरे को खूब गालियां बकते हैं, आधे का तो काम ही आजकल पता है क्या है, यही रह गया है, आए और बैठे और फिर से फलाने ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने, अरे भैया जिसने जो कर दिया तुम भी कुछ कर लो। तो वही स्टूडेंट के साथ में है, सबके साथ में है। मोदी जी को खूब गालियां मिलती हैं, हर किसी को गालियां, भगवान को गालियां मिलती हैं, नहीं मिलती बताओ? प्रसाद लेके जाएंगे, एनडीए का पेपर क्लियर करा देना, 200 रुपए का इस बार प्रसाद चढ़ाऊंगा, पेपर क्लियर नहीं हुआ जाके चार गाली मंदिर के सामने से देगा, हमने तो प्रसाद भी चढ़ाया था, पेपर भी खराब करवा दिया, बस। तो भगवान नहीं बचा यहां, तो तुम और हम तो इंसान हैं। जब यहां भगवान की भी कदर नहीं है तो हम तो छोटे से इंसान हैं भाई। तो इसीलिए परवाह मत करो किसी की, तुम्हारी जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। जिंदगी तुम्हारी, समय तुम्हारा, पेपर तुम्हारा, सही या गलत होगा उस पर भी हक तुम्हारा, क्योंकि मेहनत भी तुम्हारी। इसीलिए किसी की परवाह नहीं करो, जो होगा देखा जाएगा। तो मेरे शेर शेरनियों बस यही है, और यही मेरे पास आपके लिए वर्ड्स थे। इतना ही मैं मोटिवेशन देना चाहूंगा, इससे ज्यादा मोटिवेशन